हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। दोस्तों बहुत टाइम से मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मिशन मंगल के ट्रेलर का रिव्यू किया जाए थ्री वाइज मैन के साथ, साथ ही मिशन मंगल और बाटला हाउस का जो क्लैश होने वाला है अगस्त 15 को, उसके बारे में भी बात किया जाए। तो दिस इज अ स्पेशल एपिसोड ओनली फॉर माई व्यूअर्स, जहाँ पर हम मिशन मंगल के ट्रेलर के बारे में बात करेंगे और 15 अगस्त को जो दो बड़ी क्लैश है मिशन मंगल और बाटला हाउस के बीच में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बॉबी जी वेलकम टू बॉलीवुड वाला सर। लालू जी आए हाय सर, लव यू। वेलकम टू बॉलीवुड वाला सर, द मैन विद द यूजुअल थम्स अप। विजय जी वेलकम टू बॉलीवुड वाला। बॉबी जी मैं आपसे चालू करता हूँ, गारंटी कुमार का नए मूवी का ट्रेलर मिशन मंगल कैसे लगा आपको? मिशन मंगल का ट्रेलर लॉन्च हुआ था 18 जुलाई को, ओके, बिकॉज 18 जुलाई इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सुपरस्टार राजेश खन्ना, इसलिए वजह से उसको लॉन्च किया था उसी दिन। ओके, ऑफ कोर्स अक्षय कुमार इज अ गारंटी कुमार, तो सोचने की जरूरत नहीं, इट्स अ सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, इट्स अ सुपर हिट फिल्म। ओके, और प्रोमो देखें तो वेरी एक्साइटिंग प्रोमो, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया समझने को मिलेगा। ओके, तो इट्स अ सुपर हिट। कोई इंटरेस्टिंग लगा अक्षय कुमार का लुक, उनका डायलॉग? डायलॉग भी अच्छा लगा, जैसे बोला तेल अगर गर्म हो जाए तो उसे और गर्म नहीं करते, गैस ऑफ करके उस पर पूरियां तलते, मतलब ऑडियंस को एक क्या वो स्पेस में किस तरह जाते हैं वो सब देखने को मिलेगा। ओके, मजा आएगा, मजा आ गया, क्या बात है। लालू जी मिशन मंगल के बारे में, मतलब यू नो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस पिक्चर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच हीरोइंस आए। लालू जी ऑन अ मिशन हिमसेल्फ, आई एम ऑन अ मिशन माइसेल्फ, विश देम ऑल द बेस्ट। ओके, मतलब आपके लिए मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, अच्छा लगा आपको भी? बहुत 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 अच्छा लगा। ओके, ईगरली वेटिंग फॉर द मैन हु नोज द कमर्शियल पल्स। विजय जी मिशन मंगल का ट्रेलर कैसे लगा? जहाँ पर अक्षय कुमार की बात आती है ना, कुछ सोचने का नहीं, ओके, आराम से जाके पिक्चर देखो, ओके, अच्छा मैसेज मिलेगा, अच्छी जानकारियाँ मिलेगी, ओके, और फुल एंटरटेनमेंट मूवी, ओके, अक्षय कुमार तो गारंटी कुमार ही है, आप बिंदास जाके देख सकते हो, ओके, सोचने की जरूरत नहीं पिक्चर अच्छी होगी कि नहीं होगी, एक जानकारी मिलेगी आपको, राइट, एक मैसेज मिलेगा, राइट, मजा आएगा। मिशन मंगल और बाटला उसका क्लैश है, क्या लगते हैं आपको? कई साल पे ऐसे हुआ था दोनों का, गोल्ड और सत्य में विजय, दोनों हिट हुई थी, दोनों हिट हुई, इस बार भी ऐसा लग रहा है। एक्सेलेंट, दोनों भी देखेंगे आप? दोनों, क्या बात है। बाटला हाउस मिशन मंगल, हाँ जी हाँ जी, ये तो अच्छा हुआ कि साहो दो हफ्ते बाद में आ रही है। एब्सोल्युटली, यू नो हम लोग पहले भी कहते थे कि तीनों पिक्चरें एक साथ में नहीं आनी चाहिए, राइट, सो अच्छा ही हुआ, मतलब इस बात को लेके भी कुछ इसमें मतलब ऊपर वाले की मेहर होगी। ओके, के दोनों फिल्में आप देखोगे? दोनों आराम से, यस डेफिनेटली, क्या बात है। 9 से 12, 12 से 3, हां 9 से 12, 12 से 3, आप क्या कहेंगे? क्लैश से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके लास्ट 15 अगस्त को भी अक्षय और जॉन की फिल्में आई थी, सत्य मुझे थे और गोल्ड फिल्म सुपर हिट हुई थी, एंड दे बोथ आर विनर्स, और कुछ सालों पहले 4-3 फिल्में आई थी जिसमें जॉन और अक्षय साथ में थे, गरम मसाला में, okay. और सलमान की एक फिल्म आई थी और एक फिल्म संजय दत्त की आई थी, तो गरम मसाला सुपर हिट हुई थी और बाकी फिल्में फ्लॉप हो गई, okay. तो अक्षय एंड जॉन आर ऑलवेज अ विनर, ओके, मतलब देसी बॉयज आर विनिंग, ऐसे मेक सम नॉइस फॉर देसी बॉयज, क्या बात है, क्या बात है, फिल्म का सुपर हिट, क्या बात है। देयर वी हर्ड इट फ्रॉम आवर थ्री वाइज मेन व्हाट दे थिंक अबाउट मिशन मंगल एंड ऑफ कोर्स बाटला हाउस। 15th ऑफ द ऑगस्ट वी विल बी बैक विद द थ्री वाइज मेन शो रिव्यूइंग बोथ दिस फिल्म्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।